नमस्कार, आप देख रहे हैं TNNonline.in और मैं तरुण। असम इस समय बुरी तरह से प्रभावित है, न सिर्फ COVID-19 के कारण बल्कि बाढ़ से भी। 50 लाख से ज़्यादा लोगों का जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है, रुक गया है। बाढ़ ने एक तरह से वहां भयावह रूप ले लिया है और इसके कारण एक बड़े जनसंख्या में पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ये जो तस्वीरें, जो वीडियोज़ आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारी बाढ़ की हैं और वो भी आसाम की। आसाम में पहली बार बाढ़ नहीं आया है। ब्रह्मपुत्रा इस महीने में हमेशा उफान पर रहती है, लेकिन इस बार का बाढ़ अन्य सालों से अलग है। कोविड के कारण पहले से ही आसाम और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो प्रभावित हैं, हालांकि नॉर्थ के राज्यों से कम, लेकिन उसके बावजूद भी राहत बचाव के कार्य जो सरकार के द्वारा, जो NGOs के द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें बड़ी समस्या आ रही है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कोविड का संक्रमण फैल रहा है और अब जब बाढ़ हो गया और उन्हें शेल्टर हाउसेज में रखा जा रहा है, उन लोगों को जो जिनके घरों तक पानी पहुँचा है, उसके कारण स्थितियाँ और ख़तरनाक हुई हैं और अब दोहरी मार एक तरह से असम झेल रहा है। ये जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं, हमारे सहयोगी जगदीश ने हमें असम से भेजी हैं। जगदीश पिछले 2 सालों से असम में काम कर रहे हैं और उन्होंने बटपेरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि असम का है, वहां से ये तस्वीरें और वीडियो क्लिप भेजा है। पहले एक ग्रामीण की बाइट आपको दिखाते हैं और वो क्या कुछ सोच रहे हैं, उसके बाद फिर हमने जगदीश से इस मसले पर पूरी बातचीत किया है, उसको आपको सुनाएंगे। स्थिति आप सोचिए कि ये बाढ़ से लेकर हर बार सरकारें तैयारी करती हैं, इस बार भी तैयारी हुई थी असम सरकार और केंद्र सरकार की, लेकिन फिलहाल कोविड के कारण उन तैयारियों को भी एक बड़ा झटका लगा है। पहले आप सुनिए उस ग्रामीण, जो हमने जगदीश ने हमें जो बाइट भेजी है ग्रामीण की वो, और फिर हमने जगदीश से पूरे आसाम के विषय में समझने की कोशिश की है कि क्या स्थितियां वहां पर हैं। क्योंकि लोअर आसाम और अपर आसाम को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, तब तक थोड़ी स्थितियाँ समझ में नहीं आती कि असम की स्थिति वाकई है क्या और ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो पहले ये बाइट देखिए, फिर जगदीश के साथ पूरी बातचीत। नज़दीक हम लोग का गांव के 20 के मतलब आसपास ही है हम लोगों का ब्रह्मपुत्र रिवर, जो इस रिवर से हम लोग का गांव का एक सुबुरी, जहां पर पूरा आसामीज लोग रहता है, यहां पर करीब 120 फैमिली है। हर साल मतलब साल में 2-3 बार यहां पर ओवर फ्लड होता है, ब्रह्मपुत्र के फ्लड उसके घर के अंदर तक घुस जाता है। यहां पर जितना सारा तकलीफ है, देखिए आप ही भेज रहे थे जगदीश, मुझे थोड़ा समझाएं, जो नॉर्थ इंडिया के दर्शक हैं या साउथ इंडिया के दर्शक हैं, असल में आप, हमने वो देखा कि बरपेटा के आसपास के इलाके हैं जहां बता रहे हैं हम, स्थिति है क्या ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन, क्योंकि 2 मिनट या 4 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ नहीं समझा जा सकता है, क्या स्थिति वर्तमान समय में वहां पे? देखिए असम में तो बेसिकली ये एक यूजुअली है कि डेली हर साल एक बाढ़ का एरिया के हिसाब से बेनिफिट वाला पार्ट है। जब बाढ़ आता है तो यहाँ का फर्टिलाइजर जमीन है वो ज्यादा खेती के लिए उपजाऊ हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं है। लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि यहाँ पे ज्यादातर बाढ़ किसी ज्यादा वेव हो रहा है, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अभी बड़े लेवल पे बाढ़ आ रही है तो ज्यादा लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगर इस साल का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो 50 लाख के ऊपर जा चुका है लोग, कम से कम इम्पैक्ट हो चुके हैं, और उनमें से आप अगर सही देखोगे तो करीबन 20,000 से ज्यादा लोगों को तो सेल्टर आउट में भेजना पड़ा है, और उसके अलावा आपने 500 से ज्यादा मतलब रिलीफ कैंप लगाए हैं। जहाँ सरकार एक तरीके से कोविड से लड़ी रही है, तो ये एक बड़ा आपदा आके असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए उभरी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो वेव है वो बहुत बड़ा है, और ब्रह्मपुत्र ही नहीं अन्य नदियां हैं कम से कम 5-6 जो इस तरीके की बाढ़ को एक जो बड़ा रूप दे देती हैं और ज्यादा लोगों को इफेक्ट करती है। तो कुल मिला के बात सिंपल यही है कि इस कोविड के सिचुएशन में जहाँ एक तरीके से हम लोग देखेंगे तो असम में 60 से 70 लोगों की मौत हुई है पिछले 4 महीनों में, लेकिन अगर बाढ़ का वो हालात देखा जाए तो कम से कम 100 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक, आप देखो 100+ लोगों की, और अराउंड 20 दिनों के अंदर ही ये सब हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये वेव इस बार थोड़ा और ज्यादा खतरनाक बन चुका है। ये 50 लाख लोग बड़ी संख्या होती है, ये 50 लाख की बात अमूमन असम या पूर्वोत्तर खबरों में तब होता है जब वहाँ कोई दंगे हो जाते हैं या कोई हिंसा हो जाती है, बहुत नॉर्मल। ये बाढ़ हर बार आती है क्या इस बार, क्योंकि कोविड के कारण गवर्नमेंट भी प्रेशर में है, तो कोविड के कारण क्या ये तैयारियां उस तरह से नहीं हो पाई हैं, पहली चीज, क्या इसके कारण भी दिक्कतें आ रही है वहां पे?
देखिए, असम गवर्नमेंट को पता है कि वहाँ बाढ़ आना है, तो वो हमेशा से तैयार ही रहती हैं। उनको पता है कि कुछ जो एनडीआरएफ की टीमें हैं या अन्य लोग हैं जो सहयोगी दल हैं, उन सब के साथ मिल करके और नीचे लेवल पे भी सरकार बिल्कुल तैयार रहती है। लेकिन इस बार सरकार का जो 50% से ज़्यादा जो पार्ट है वो कोविड के रूप में ही जा चुका है। आप अगर पिछले कुछ दिनों को देखेंगे तो असम में करीबन 2-2 हज़ार के करीबन केसेस आने लगे हैं डेली, जो कि अभी 7th 7th हाईएस्ट स्टेट हो गया जहाँ पे डेली ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो इस वजह से असम गवर्नमेंट भी इस बार थोड़ा लाचार हो रही है, क्योंकि क्या करें, क्योंकि सिचुएशन दोनों बराबर हो चुकी है। तो इस समय से काफी कुछ चीजें हैं जो कि अभी बदल रही है। गवर्नमेंट भी अपनी कोशिशें कर रही है लगातार, जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के, एमएलएस वगैरह, वो भी फील्ड में लगे हुए हैं और बाकी जो संस्थाएं हैं उनके साथ भी कोशिश जारी की जा रही है। लेकिन ये माना जा सकता है कि इस समय कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, क्योंकि आप दो बड़ी एक वास्तविक बीमारी से तो लड़ ही रहे हैं, कोविड-19 से, उसके अलावा जो बाढ़ है उससे भी लड़ रहे हैं। यहाँ डाटा तो आप भी देख रहे हैं कि 50 लाख कम नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सोचने का विषय है कि नेशनल मीडिया में आप उतना नॉर्थ ईस्ट को नहीं देख पा रहे होंगे। क्योंकि कई बार मैं भी अपने दोस्तों से जब बात करता हूँ, जब फोन फोन पे आते हैं तो बोलते हैं, पूछते हैं कि असम में क्या हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी चीजें मुझे भी विचलित करती हैं कि इतनी बड़ी आपदा होने के बाद 50 लाख का डाटा कम नहीं होता है, जहाँ पे यहाँ पे इतनी ज्यादा जनसंख्या भी नहीं हो। और दूसरी चीज ये है कि असम पिछले कुछ समय से और भी चीजों से बागजान, आपने कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि वहाँ बड़े लेवल पे आग लगी हुई है, तो वहां पे भी आप अगर देखोगे तो कम से कम 10 से 20 गांव इम्पैक्ट हुए हैं, जहाँ पे कंटिन्यूसली आग अभी भी पिछले 4 महीनों से लगी हुई है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जो तेल के कुएं हैं उनमें उसको भी कंट्रोल करने, तो वो एक अलग था, उसके बाद बाढ़, उसके बाद कोविड, तो कहीं ना कहीं इस बार असम के ऊपर ज्यादा ही लोड हो चुका है। लेकिन सरकारें अपनी कोशिश कर रही है, ऐसे हम भी अपना कोशिश कर रहे हैं। जो शेल्टर हाउस हैं, जो जहां लोगों को रखा गया है कि बड़ी संख्या में, तो एक कोविड के कारण वहां भी संक्रमण फैलने का खतरा है, तो वहां अगर आप गए हों तो वहां की स्थिति थोड़ा बताएं। देखिए, मैं पिछले करीबन 20 से 25 दिनों से लगातार कोशिश कर रहा हूँ एक वीक में, क्योंकि पिछले एक महीने से तो असम में सैटरडे संडे लॉकडाउन होता, आप जा नहीं सकते हैं। तो बाकी बचे हुए 5 दिन में मैं कम से कम मिनिमम कोशिश करता हूँ 3 से 4 दिन उन कैंप में जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, बक्सा, बारपेटा, कामरूप रूरल और ये नलबाड़ी वगैरह सारे डिस्ट्रिक्टों में मैं गया हूँ, मिला हूँ लोगों से। तो कहीं ना कहीं चीज़ों में डर तो उन लोगों में भी है, वो बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनसे डर रहे हैं, सहायता लेने तक में डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बाहर से आया है, कोविड का डर हो सकता है। दूसरा ये है कि पानी का एक अपना है, जो पानी आने के बाद अलग अलग तरीके की बीमारियां भी होती हैं, तो वो सारी सिचुएशन है इस समय बहुत ही एक तरीके से डरावनी है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि आप किस तरीके से मैनेज करते हो। कोविड वाली सिचुएशन में बता चुका हूँ कि हर अभी गांव गांव लेवल पे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी नहीं हो पा रही है और कोविड के केसेस निकल भी रहे हैं, ये सच्चाई है। तो इस समय किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया जाए, लेकिन लोगों में भी डर है, सरकार में भी एक बड़ा डर है, इसलिए बराबर लॉकडाउन लगा रही है। मुझे लगता है कि सिचुएशन फिर ठीक है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं कह सकता कि बिल्कुल नॉर्मल है कि लोग बस बचा लिए गए हैं सारे, वैसा भी नहीं है, एक डर का माहौल तो अभी भी बना हुआ। जल स्तर की स्थिति क्या है, पानी की स्थिति अभी फिलहाल क्या है, क्या खतरा भी बना हुआ है पूरी तरह से कि अब जल स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है? असम में क्या होता है कि बेसिकली जल स्तर ऐसे नहीं होता है कि एकदम से पूरा लॉन्ग टर्म तक रहता है। असम में क्या होता है कि 3-4 वेव्स आती हैं। एक बार आएगा पहला फ्लड, जो कि आपने शायद सुना होगा जून के लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक में आता है, तब कुछ लोगों को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद सेकेंड वेव आता है जो कि मिड आप जुलाई में ले सकते हो, तब आता है, तब कुछ लोगों को। जो थर्ड वेव इस बार आया था उसने कुछ ज्यादा ही लोगों को तबाह किया, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली 5 से 7 दिन लगातार बारिश भी हुई, और ऊपर जहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो असम है वो कि इस भूटान के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है, तो ज्यादातर बारिश होती है, तो वो पानी डिफरेंट डिफरेंट जो नदियां हैं अपने 6 से 7 नदियां जो छोटी मोटी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की, उनके थ्रू पानी आता है, तो वो अपने तरीके से पूरा बहाव के ले जाता है। और दूसरा ये है कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में उधर अगर आप देखोगे कि तिब्बत की पहाड़ियों में भी अगर ज्यादा बारिश होती है तो वो पहाड़ों का भी पानी आता है, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा रूप ले लेता है। तो वो तो इस बार है, लेकिन पानी का जल स्तर अभी कम होने का नाम नहीं है, जरूर धीरे धीरे कंट्रोल होता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन अभी एक और वेव आना बाकी है, जो मतलब नॉर्मली यहाँ देखा जाता है कि 4 वेव आती है, तो 3rd वेव जा चुकी है जिसमें ज्यादातर लोग इम्पेक्ट हुए हैं, अभी एक और वेव है उसमें भी कुछ लोग इम्पेक्ट हुए। तो वो जो आप चौथी वेव की बात कर रहे हैं वो कब तक आने की संभावना है, मतलब अगर वो आता है तो फिर और जनजीवन प्रभावित होगा?
जी जनजीवन तो खैर प्रभावित है ही और ज्यादा भी होगा अभी, क्योंकि जल स्तर थोड़ा सा कम होता है। क्या होता है कि यहाँ थोड़ा सा नदियों में पानी क्या होता है ब्रह्मपुत्रा की तरफ चला जाता है, तो लोगों को थोड़ा सा घर घर से पानी निकल जाता है। खेतों में तभी भी बड़े लेवल पे खेती खराब हो चुकी है, लोगों की बह गई है पूरी की पूरी। जहाँ आपने खेती की है हजारों लाखों हेक्टर जमीनों के जो उपजाऊ जमीन थी वो अब कोई काम की नहीं रही है। लोग खेती करते थे और मैक्सिमम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर ही करते हैं काम। और दूसरा चीज है तो वो तो जा ही चुकी है। दूसरा ये है कि जो फोर्थ वेव है उसमें ये भी डर है कि कोविड का सिचुएशन अभी और ज्यादा खराब हो रहा है यहाँ पे, तो शायद वो और ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है कि उसमें कैसे कंट्रोल करेगी सरकार। क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें अपनी कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब शेल्टर हाउस में भी जगह कम पड़ रही है। वो जगह ही नहीं है जहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जा सके। मैक्सिमम लोग खैर यहाँ पे जब उनको पता है कि ऐसा बाढ़ आती है तो वो अच्छी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके घर के सामान पूरा शिफ्ट करना कोई ऐसी सेफ जगह पे वो थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकारें भी अपना कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से फोर्थ वेव आने वाली है, जो अगस्त की फर्स्ट वीक तक कोशिश करते हैं कि तब तक पानी रहेगा, जो बड़ा जो इम्पैक्ट करता है वो वाला पानी। वैसे तो खैर पानी रहता है जुलाई अगस्त मंथ तक ही पूरा, लेकिन ये है कि बड़े लेवल पे पानी मिड अगस्त तक। ठीक है जगदीश, आप पूरे जो घटनाक्रम हो रहे हैं जो कि स्थितियां वहां पर नजर बनाए रखिए। हम आपसे फिर जुड़ेंगे और फिर थोड़ा विस्तार समझने की कोशिश करेंगे कि क्या असल में असम की दिक्कतें क्या हैं और वहां समस्याएं क्या हैं और किस तरह से सरकार अपने स्तर पर इसको निपटने का प्रयास कर रही है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीएनएन ऑनलाइन। नमस्कार, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बोल रखिए।